Envirex में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो Envirex Mustang की है, 575 वॉट की एंटायर बैटरी के अंदर। वो एक नज़र आपको दिखा भी देते हैं, आगे लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर Envirex Mustang लगा हुआ है। अनोवा की अपडेट लास्ट वीडियो में हमने दी थी कि हमारा न्यू स्टॉक आने वाला है, जी जी। 585 एंड टाइप बाइफेशियल आ चुका है, इससे पहले जो हमारे पास था 575 एंड टाइप बाइफेशियल, अब 585 आ चुका है लेटेस्ट मॉडल। इसी में इसका सेकंड वेरिएंट अवेलेबल है 615 वॉट, ये भी आप दिखा, 615 में लेटेस्ट अभी आया है, बेहतरीन कल ही आया है बिल्कुल। थोड़ा पैनल का साइज अदर ब्रांड से जो टीवीएस हमारा जो भी ब्रांड है 3 इंच बड़ा है, यहाँ से भी आप दिखाएंगे तो हाइट का कंपैरिजन आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि 615 में है एंड टाइप बाइफेशियल। छोटे में हमारे पास दो मॉडल अवेलेबल है, होंडा का है, सेल जर्मनी इसकी मेड है, होंडा इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, 200 वॉट के अंदर एन टाइप का, एन टाइप का 200 वॉट, 200 वोल्ट का है, 24 वोल्ट के अंदर है, जी जी। 8 एम्पीयर का बिल्कुल, 5 ईयर वारंटी के साथ। इसके अलावा हमारा खुद का जो अनोवा आ गया, जैसे हमने आपको अनोवा 575 दिखाया, 585 दिखाया, 615 दिखाया, ये सबसे छोटी कैटेगरी में 230 वोल्ट का एन टाइप का पैनल, ये भी एन टाइप था, ये भी एन टाइप है, बट इसके बस पावर ज़्यादा है, पावर एफिशिएंसी, पावर जनरेशन रादर देन अदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, ठीक है। कनवर टीयर वन का है, सबसे पहले तो हम स्टॉक दिखा देते हैं कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी दिखा देंगे, यहाँ पे भी अब दिखा दें, नेटवर्क 8 किलो वॉट, 6 किलो वॉट, 3 किलो वॉट सब अवेलेबल है, 12 किलो वॉट तमाम किलो जी, नेटवर्क किसी चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे भी हमारे ये छोटे पैनल का स्टॉक है, कुछ नेटवर्क का स्टॉक है, किलो वॉट के 100 में 10, 15, 20, 25 सब अवेलेबल है, और इस बार प्राइसेस इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, पिछली वजह से उसमें और अदर ऑप्शन जो है ये 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, रिप्लेसमेंट वारंटी है। सॉलिस देखो अभी जो ना शुरू हो गया मार्केट में एंट्री है, सॉलिस 6 किलोवाट, इस पे आपके जो मैक्सिमम पीवी है वो आप तकरीबन 9 किलोवाट तक डाल सकते हो, और अगर अदरवाइज में कहूँ तो 16 पैनल 18 पैनल ईजी आपको। अच्छा लोड कितना चल रहा है? लोड आपका 7-8 किलोवाट तक आराम से चल रहा है, 20% क्योंकि आपके सोलर के लॉस बिल्कुल लॉसेस होते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्यूजन टेक के अंदर, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोलर पैनल के अकॉर्डिंग तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके अलावा इन्वर्टर्स वगैरह पे भी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत रिलीफ मिला है, प्राइजेस में बहुत कमी आई है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अनबॉक्सिंग भी सोलर 6 किलोवाट की, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? जी जी अल्लाह का शुक्र है। तो हम्माद भाई इस वक्त सोलर पैनल की अपडेट्स क्या चल रही है, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, रेट्स के हवाले से हमारे व्यूवर्स को गाइड कर दूं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं हम सबसे पहले Envirex के पैनल से, कि Envirex में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो Envirex Mustang की है, 575 वॉट की एन टाइप बैटरी के अंदर। वो एक नजर आपको दिखा भी देते हैं, आगे लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर Envirex Mustang लगा हुआ है जी, 585 वॉट जी, 575 वॉट, बट लिमिटेड स्टॉक है तो कुछ कह नहीं सकता, जब आप वीडियो देख रहे हैं Mustang है या नहीं है तो काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा व्हाट्सएप कांटेक्ट करके। अच्छा मार्केट रेट के हवाले से बात करें तो एन टाइप आज जो है Envirex का रेट है 38 रुपए पर वॉट, 38 रुपीज पर वॉट, उसको पर वॉट के हिसाब से आप देखो तो 38 है, और कंप्लीट प्राइस देखो तो 21,850 का ही है ना। अच्छा Envirex का ये बेनिफिट है कि Envirex के साथ इसकी लोकल वारंटी आती है, वारंटी कार्ड आता है, अगर कोई भी ब्रांड लेगी सबकी इंटरनेशनल वारंटी है तो किसी के साथ भी इसका वारंटी कार्ड नहीं आता। Envirex की कितने साल की वारंटी? Envirex 30 साल पावर आउटपुट वारंटी है, 30 साल पावर आउटपुट। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड सनोवा पे, सनोवा की अपडेट लास्ट वीडियो में हमने दी थी कि हमारा न्यू स्टॉक आने वाला है, 585 एंड टाइप बाइफेशियल आ चुका है, इससे पहले जो हमारे पास था 575 एंड टाइप बाइफेशियल था, अब 585 आ चुका है लेटेस्ट मॉडल के ऊपर, ठीक है। इसका रेट जो हम दे रहे हैं मार्केट में तो किसी के पास नहीं है क्योंकि इम्पोर्ट हमने किया है, मेजोरिटी लोगों के पास होगी, रिटेलर्स के पास होगी, वो बिल्कुल 34-35 रुपए आपको दे रहे होंगे, आपको हम हमारे थ्रू मिलेगा अगर आप हमारे शॉप पे आते हैं बाइक के चैनल के स्क्रीनशॉट लेके, 32 रुपए पर वॉट, 32 रुपीज पर वॉट बाइफेशियल, बाइफेशियल एंड टाइप के अंदर, ठीक है। क्वांटिटी लेते हैं पूरा पैलेट लेते हैं तो 31 रुपीज पर वॉट क्वांटिटी में,
की। इसी में इसका सेकंड वेरिएंट अवेलेबल है 615 वॉट, ये भी आप दिखा दीजिए 615 में, 615 में लेटेस्ट अभी आया है, बेहतरीन कल ही आया है बिल्कुल। थोड़ा पैनल का साइज अदर ब्रांड से, जो प्रीवियस हमारे जो भी ब्रांड है, 3 इंच बड़ा है। यहाँ से भी आप दिखाएंगे तो हाइट का कंपैरिजन आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये 615 में है, एंटी बायफेशियल, सेम प्राइस 3200 पर वॉट में दे देंगे। सनोवा का 615 एंटी बायफेशियल 615 वॉट, जी जी ठीक है बिल्कुल। और प्राइस आपको बता दिया 3200। इसकी कोई लोकल वारंटी मिलती है? जी 30 इयर्स वारंटी होती है, इंटरनेशनल पावर आउटपुट वारंटी होती है, इंटरनेशनल की। इसी को भी लें, जिनको लें, लॉन्जी लें, ट्रीना लें, जे लें, सबकी इंटरनेशनल वारंटी, सबकी इंटरनेशनल वारंटी है, ठीक है। ये हमारे दो सनोवा के वेरिएंट हो गए। इसके बाद हमारे पास है लॉन्जी अवेलेबल, लॉन्जी में हाइमोस 7 अभी लेटेस्ट हमारे पास आया, हाइमोस 7 भी आ गया, हाइमोस 7 585 एन टाइप बायफेशियल के, बायफेशियल बेसिकली। लॉन्जी अपने पैनल्स को एन टाइप नहीं बोलता, बट यू कैन से कि ये एन टाइप के पैनल्स ही हैं, क्योंकि वो अपनी सीरीज को हाइमोस सीरीज कहता है, तो उसको एन टाइप कहना गलत है, बट ऑफिशियली देखो तो एन टाइप ही है। जी जी, लॉन्जी हाइमो 6 अवेलेबल है, हाइमो 6 खत्म हो चुका है, कुछ पीसेस पड़े हुए हैं मैं आगे दिखा दूंगा आपको। जी जी ठीक है, हाइमो 7 नहीं है, हाइमो 585 वॉट। प्राइस क्या बताएं? इसकी प्राइस है 3600 लूज में, 3600 पर। और पैलेट लेते हैं तो देख लेंगे इंशाल्लाह, 3500 में दे देंगे, 3500 पैलेट में। इसके बाद चलते हैं छोटे पैनल्स की। जी जी, छोटे पैनल्स, छोटे में हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल हैं। होंडा का है, सेल जर्मनी इसकी मेड है, होंडा इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। 200 वॉट के अंदर एन टाइप का पैनल है, एन टाइप का 200 वॉट का, जी 200 वॉट का है, 24 वोल्ट के अंदर है, 8 एम्पीयर इसका आउटपुट है, बिल्कुल 5 इयर्स वारंटी के साथ है। अच्छा, इसकी 5 ईयर वारंटी, जी। मार्केट में मेजॉरिटी आपके पास ब्रांड्स अलग अलग मिलते हैं, वारंटी किसी की भी नहीं होती, बिल्कुल वारंटी वाला पैनल है, ऐसा नहीं है। हमारे पास यहाँ जो भी चीज मिलेगी आपको ए ग्रेड टॉप 10 टीयर 1 की मिलेगी, जिसकी वारंटी है सबसे बेस्ट चीज, जी इंशाल्लाह ताला, कोशिश ये होती है कि सबसे बेस्ट दे, ठीक है। 5 साल वारंटी के साथ मार्केट रेट में 11-12 हजार रुपए का बिक रहा है। आपके चैनल के कोई थ्रू आता है, स्क्रीनशॉट लेके आता है, 9000 रुपए का देते हैं, 9000 रुपए का एक पैनल, 200 इस पे पर वर्ड का नहीं होता, प्राइस फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा खुद का जो सनोवा आ गया, जैसे हमने आपको सनोवा 575 दिखाया, 585 दिखाया, 615 दिखाया, ये सबसे छोटी कैटेगरी में 230 वॉट का एन टाइप का पैनल है। ये भी एन टाइप था, ये भी एन टाइप है, बट इसके बस बार ज्यादा है, इसकी पावर एफिशिएंसी, पावर जनरेशन रादर देन अदर प्रोडक्ट्स ज्यादा है, जी ठीक है। सनोवा टीयर 1 का है। इसकी मार्केट प्राइस बताए तो मैंने खुद भी मार्केट जाके सर्वे किया, 16-17 हजार रुपए का लोग बेच रहे हैं, बिल्कुल रिटेल में, अलग अलग एरियाज में, जी जो लोकल एरियाज में शॉप्स खुली हुई है। तो आपके चैनल के थ्रू कोई आता है, स्क्रीनशॉट लेके 10500 में दे, 10500 एन टाइप बायफेशियल। अच्छा, इसमें कितना लोड तक चल जाएगा? 230 वाट का पैनल है, 200 वाट का आउटपुट ये आपको देगा, 200 वाट का आउटपुट दे देगा। ये जो पिछले हमने 200 दिखाया वो तकरीबन 180-175 170 वाट देता है, डिपेंड ऑल्सो करता है कि आपका वेदर किस तरह का है, किस तरह की पावर जनरेशन है, बिल्कुल। बट ये है कि ये गारंटी है कि एन टाइप का पैनल है और अदर प्रोडक्ट से बहुत अच्छी जनरेशन है। इवन यहाँ पे इसके टेस्ट भी हुए हैं, आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे सनोवा 230 वाट पावर एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसकी वारंटी 10 साल है, 10 साल इसकी वारंटी है, वारंटी 10 साल है। अच्छा, ये हाइमो 6 के बारे में जी, ये हाइमो 6 है जो हमारे पास प्रीवियस कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, इधर मे भी यहाँ पे मैंने लिख के रखे थे, कुछ के नहीं लिखे हुए, ये लॉन्जी के कुछ पुराने पड़े हुए हैं, कुछ नई पीस पड़े हुए हैं, ये लूज में अलग अलग, ये सारा हाइमो 6 होगा जिसपे लिखा हुआ नहीं है, ये 575 वॉट में, 575 जी, ये हाइमो 7 के कुछ पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ 585 है, 580 है और सिंगल ग्लास भी है, मतलब ये मिक्स माल है जो अवेलेबिलिटी में नहीं, यूज नहीं, सारा नया है, मतलब ये है कि देखें अभी आपको मैंने सारा पैलेट दिखा, जी जी, और इनमें एक आध पीस बच जाता है, एक बच जाता है, नया मॉडल आ जाता है या नया स्टॉक आ जाता है तो ये इधर पीस लगा, अच्छा तो इधर चला जाता है। अब हमें भी नहीं पता, सीधी बात है कि इधर एन टाइप कितने पड़े, सिंगल ग्लास कितना, वो क्लाइंट जो आता है जिसकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से देख के बता देते हैं। इसमें फिर क्या परवर्ट नहीं करते, फिर एक लमसम पेमेंट में दे देते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें, इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं बट सिर्फ अभी फिलहाल ऑन ग्रिड सिस्टम की कर रहे हैं, कंप्लीट सिस्टम की ऑन ग्रिड में, इन्वर्टर पैनल स्ट्रक्चर एलिवेशन सारा कुछ, इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नेट मीटरिंग एसी अर्थिंग डीसी अर्थिंग कंप्लीट जो पैकेज होगा सिर्फ वही कर रहे हैं, क्योंकि रेदर हाइब्रिड वाइब्रिड ये भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास पेंडिंग बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है और इनमें थोड़े इशूज होते हैं जिस वजह से फिर कंपनी का नाम भी खराब होता है, तो हम कोशिश करते हैं वही करें जिसमें आपको भी अफोर्डेबल हो हमें भी रहे। जी जी, अच्छा, इसके अलावा इन्वर्टर्स की तरफ आ जाएं, हम इन्वर्टर्स की तरफ चलते हैं। जी हम आप इन्वर्टर्स की तरफ आ गए, जी इन्वर्टर्स में सबसे पहले तो हम स्टॉक दिखा देते हैं कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी दिखा देंगे, यहाँ पे भी आप दिखा दें, नेटवर्क 8 किलोवाट 6 किलोवाट 3 किलोवाट सब अवेलेबल है, 12 किलोवाट तमाम किलो जी नेटवर्क आईपीसी सी अवेलेबल है। यहाँ पे भी हमारे ये छोटे पैनल्स का स्टॉक है, पीछे नेटवर्क का स्टॉक है, ग्रोवर्ट के ऑन ग्रिड में 10-15-20-25 सब अवेलेबल है, और इस बार प्राइसेस इनमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, पिछली वीडियो से अच्छे रेट हो चुके हैं, अच्छे रेट हो चुके हैं। इसके अलावा वेरॉन सीरीज का भी मेरे पास माल पड़ा हुआ है, 4 किलोवाट 6 किलोवाट
और 1.2 2.5 सब आपको आगे इंशाल्लाह दिखाते हैं, सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जी। चलते हैं अब हम जी बिल्कुल की तरफ जी, हम भाई इधर से भी स्टॉक दिखा दें आप तमाम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेरॉन से, वेरॉन 2 पर 1200 वाट के ऊपर, मतलब 1.2 किलोवाट 12 वोल्ट के अंदर है, एक बैटरी इस पे कनेक्टिविटी अवेलेबल है, प्रीमियम वाईफाई सीरीज है, इसके अंदर वाईफाई बिल्ट इन है, इसके अंदर इसकी यूजर मैनुअल पे इसका क्यूआर कोड होगा, आप स्कैन करके इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल बैटरी केबल इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 1.2 और 2.5 दोनों वेरिएंट है जिनके अंदर आपको बैटरी केबल मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे में तो नहीं मिलता? नहीं, इसके अलावा 1.2 2.5 के अलावा किसी में नहीं है। अच्छा, लिथियम बैटरी सपोर्टेड है? लिथियम बैटरी इसमें 1.2 पे तो वैसे ही नहीं लगा सकते क्योंकि लिथियम आती है 24 वोल्ट और 40 वोल्ट में, वो 6 किलोवाट और 4 किलोवाट में फिर भी सपोर्ट है, 1.2 2.5 पे नहीं है, उस पे नहीं है, ठीक है। ये आप इसके की फीचर्स यहां लिखे हुए ये दिखा दें, प्रोडक्ट वारंटी दिखा दें, 2 साल प्रोडक्ट वारंटी है, 3 साल सर्विस वारंटी है, मैक्सिमम पीवी इसकी 2 किलोवाट तक की है, 2 किलोवाट की इसकी, 2000 वाट है, और इस पे आप 3 पैनल इजीली लगा सकते हैं, 3 पैनल लगा लो तो बेस्ट है, लाइट है, पंखे छोटे मोटे घर के, घर का छोटा लोड चलाने के लिए बेस्ट है, मतलब समझ लो आधे हॉर्स पावर की एक छोटी मोटर है, 5-7 लाइट है, पंखे, तो उसके लिए हो जाएगा आराम से। उसके बाद जो अदर वेरिएंट है इसकी प्राइस के ऊपर, प्राइस ये है कि मार्केट अभी चल रही है तकरीबन 69-68 की चल रही है जी, जी। आपके चैनल के थ्रू आता है कोई भी 66-500 भी दे देंगे, 66-500 बट स्क्रीनशॉट लेके आना है जी, जी। वही रेट मिलेगा और लिमिटेड स्टॉक लाके जो स्टॉक पड़ा है उस पर रेट मिलेगा, ठीक है। 66-500 फाइनल। अच्छा, वेरॉन 2.5 पे आ जाते हैं, इसके बाद 2.5 किलोवाट है, 24 वोल्ट है, इसके अंदर 2 बैटरीज आपकी लगेंगी, इसकी भी बैटरी केबल इंक्लूडेड है, सेम वारंटी है, सेम प्रोडक्ट आपकी स्पेसिफिकेशन है, मैक्सिमम भी 3 किलोवाट तक की है, मतलब इस पे आप 6 पैनल लगा सकते हो, 6 पैनल इसमें आपका जो लोड चल सकता है वो 1 टन का इन्वर्टर एसी हो गया, छोटा वाला जो T3 लेटेस्ट आया हुआ जो कम से कम बिजली खाता है इन्वर्टर वो चल जाएगा, एक छोटा फ्रिज चल जाएगा इन्वर्टर वाला, लाइट है, पंखे, वो आराम से चल, उसके लिए बेस्ट है 6 पैनल लगाने पड़ेंगे, 6 पैनल, ठीक है। मार्केट प्राइस इसकी तकरीबन चल रही है 95,000 आपके चैनल के थ्रू कोई आता है 92 कोशिश करेंगे 500 मजीद छोड़ हो जाएंगे, ठीक है। 92 में काफी रिलीफ मिला है इन्वर्टर पर, हाँ, प्रीवियस रेट से आप देखें तो काफी ज्यादा नीचे आ गया, बट अभी ये रिक्वायरमेंट है कि स्क्रीनशॉट लेके आना है, मेरे पास डेली ये हो रहा है कि आप लोगों की वीडियोस देखते हैं, लोग यूट्यूबर्स की वीडियो देख के आते हैं, रेट बोलते हैं, बोलते हैं आपने ये रेट बोला था जी जी। और फिर बोलते हैं बहस करते हैं, तो हम बोलते हैं भाई आप स्क्रीनशॉट दिखा दो। आज सुबह भी मेरे साथ एक क्लाइंट है, मैंने सोलेक्स का रेट दिया हुआ 265, वो बोलते हैं आपने 260 रेट दिया, मैंने प्रूफ दे, आधा घंटा बैठ के उन्होंने वीडियो चलाई एंड में 265 निकला, बिल्कुल फिर वो मानते नहीं, इसलिए प्रूफ लाए, वीडियो का स्क्रीनशॉट वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो देखिए, एक रिकमेंडेशन आपसे ये है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखें, पूरी देखें, और दूसरा उसकी वीडियो को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लें, 2 सेकंड का जो पार्ट है वही रिकॉर्ड करना है, आपके प्राइस आ जाए, ठीक है। अच्छा, 4 पे आ जाए, 2.5 हो गया, इसके बाद हमारा 4 किलोवाट का आता है वेरॉन 4, ये भी अभी रीस्टॉक हुआ है क्योंकि मार्केट में बड़ा शॉर्ट चल रहा था, और अभी भी शॉर्ट है, ऐसा नहीं है माल अवेलेबल है, अब जो न्यू अगला 10 दिन के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह ये शॉर्ट हो गया होगा, शॉर्ट हो जाए क्योंकि हमें पता चल जाता है मार्केट किस तरह जा रही है, ठीक है। इसके अंदर बैटरी केबल इंक्लूडेड नहीं है, 24 वोल्ट के अंदर इसमें आपके लिथियम आयन सपोर्टेड है, इसमें लिथियम सपोर्टेड है, ये 5 किलोवाट तक मैक्सिमम जाता है, 8 पैनल इस पे आप इजीली चला सकते हैं, 8 पैनल चल रही है, कितना लोड तक लगा दें? लोड आपके 4 किलोवाट तक का है, इस पे अगर आपके 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, वो प्रीवियस आप 2.5 पे 1.5 टन नहीं चला सकते, इस पे 1.5 टन चला सकते हो, 2 टन भी चला सकते हो, 2 टन इन्वर्टर एसी, बाकी लाइटें पंखे टीवी ये सब आराम से चल जाएगा, ठीक है। इसका जो मार्केट रेट आज चल रहा है 190 चल रहा है, 190 जी, आपके चल के कोई थ्रू आता है स्क्रीनशॉट लेके आता है 185 में फाइनल दे दूंगा, 185 में, लिमिटेड स्टॉक है, ज्यादा स्टॉक नहीं है, बिल्कुल जल्दी आए, जल्दी पाए। अच्छा, 6 किलोवाट के आप पर आ जाए, 6 किलोवाट के अंदर जी, ये भी अभी मार्केट में शॉर्ट चल रहा है, हॉट केक आइटम चल रहा था, तो ये 48 वोल्ट है, इसके ऊपर आपकी लिथियम 48 वोल्ट की लग सकती है, अगर ट्यूबलेट लगाएंगे तो 4 लगाएंगे ट्यूबलेट बैटरी, और सेम वारंटी, मैक्सिमम पीवी 6.5 की है, यहाँ पे डुअल आउटपुट भी है, इसमें पैरेलल ऑप्शन भी लग सकता है, और मैक्सिमम आपको पीवी इनपुट का 27 एम्पीयर तक का इनपुट मिल रहा है, 27 एम्पीयर तक का पैनल अगर एम्पीयर देता है वो भी इस पे कनेक्ट हो सकता है, मतलब आपके 615 वाट के जो भी लेटेस्ट पैनल हमने दिखाया वो भी इस पे कनेक्टिविटी अवेलेबल है, वो आराम से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे लोड हमें क्या डिफरेंशिएट मिल रहा है, ज्यादा देन 4 किलोवाट इस पे हमारा पूरा घर इजीली चल सकता है, पूरा घर का लोड चल सकता है, इजीली चल सकता है, अगर आपके घर में 2 एसी लगे हुए हैं, 2 फ्रिज लगे हुए हैं, लाइट पंखे टीवी सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ चल रहा है, लोड मैनेज करना होता है, देखें ये इधर पढ़ाने का मकसद ये होता है कि 6000 वाट है आपके पास, आप इसको किस तरह कंज्यूम करो जी जी। कुछ लोग होते हैं 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं, 3 किलोवाट के पैनल लगाते हैं और लोड चला रहे थे 4-5 किलोवाट का, ऐसा ये नहीं तो होता, नहीं होता फिर आपके के इलेक्ट्रिक के यूनिट शेयर होंगे, वो आपको यूनिट फीडिंग ऑन करनी पड़ेगी, सारी बेसिकली देखिए बात होती है सेटिंग की और आपकी मैनेज के ऊपर कि आप किस तरह मैनेज किस तरह पावर को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टर की वेरॉन सीरीज थे, IP21 सीरीज होती है, घर के इंडोर के लिए होती है, इंडोर ये बेस्ट सीरीज है हमारी, नंबर 1 जो इन्वर्टर की आती है वही वेरॉन है, ठीक है। माध भाई यूकॉन पे आ जाए आप जी, यूकॉन 2 हमने वेरॉन दिखा दिया, वेरॉन के अब हम दिखाते हैं यूकॉन सीरीज। यूकॉन सीरीज का बेसिकली जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स पे, ऑफ ग्रिड जिनको सुबह से लेकर शाम तक चलाना है बगैर बैटरी के चलाना है,
दोपहर या रात की उन्हें टेंशन नहीं है, बहुत चलाना वो कह रहे हैं यार हमारा ऐसा लोड है जो सुबह से लेकर शाम तक चलना है, तो यूकॉन उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यूकॉन आप लगा लें। जी जी, बजट में भी अच्छा है और चीज भी बड़ी अच्छी, चीज भी अच्छी, ठीक है। यूकॉन में हमारे पास दो ही मॉडल आते हैं, 3.5 और 5.6। 3.5 में आपका 24 वोल्ट है और 5.6 में 48 वोल्ट है। इसमें लिथियम बैटरी सपोर्टेड है? नहीं, इसमें लिथियम आयन बैटरी नहीं लग सकती, इसमें वाईफाई भी नहीं होता। वाईफाई भी नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस हुई है। बेसिकली मैं ज्यादा कहूंगा तो ये इंटीरियर के लिए ज्यादा अच्छा है, जो लोग इंटीरियर सिंध के हैं वहाँ पे गर्मी बड़ी होती है और दिन दिन तक लाइट नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर शाम तक इजीली आपका चलेगा, एक बैटरी जोड़ दो तो आपकी रात भी निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है तकरीबन आज चल रहा है 1,55,000 रुपए, 1,55,000, और इसका जो चल रहा है 1,80,000 रुपए चल रहा है। जी जी, आपके थ्रू चैनल के कोई आता है दोनों पे मैं आपको 5,000-5,000 का डिस्काउंट दूंगा। 5,000-5,000 का डिस्काउंट, 150-175 बेहतरीन। ये लिमिटेड स्टॉक है जो है, इसी का रेट है, नया स्टॉक आएगा कुछ नहीं कर सकता। जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे सोलर मैन, इसके अलावा हमने नेटवर्क सीरीज भी दिखानी है। पहले हम चलते हैं इनवेरक, ये सोलेक्स के ऊपर, फ्रोनस कंपनी का। फ्रोनस इसका डिस्ट्रीब्यूटर है और जो सर्विस की फिजिबिलिटी दे रहा है वो फ्रोनस दे रहा है। ब्रांड का नाम है सोलेक्स, इंटरनेशनल ब्रांड है, चाइना का, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। जी जी ठीक है। 6 किलोवाट में IP65 में सिंगल फेज में सबसे पहली जो एंट्री है वो हमारी यही है, सबसे बजट में भी सस्ता और सबसे पहला इन्वर्टर जो हमारा IP65 की कैटेगरी में शुरू होता है। 5 इयर्स वारंटी के साथ है। इसके सारे की फीचर्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, आप इस तरफ दिखा दें। तो कितने कितने किलोवाट के आते हैं इसमें? 6 आता है, फिर हमारे नेटवर्क सीरीज में चले जाते हैं, सोलेक्स में, सोलेक्स में जाते हैं। जो सोलेक्स ने निकाला है वो अभी 6 ही है, 8 भी इन्होंने बना लिया है बट अभी तक आया नहीं है। जैसे ही लॉन्च होगा, जैसे मार्केट में फिजिबिलिटी अवेलेबिलिटी होगी, हम इंशाल्लाह रखेंगे, 8 वाला भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, 6 किलोवाट का है। इसका मार्केट रेट आज जो चल रहा है 2,70,000 चल रहा है, 2,70,000। आपके चैनल के कोई थ्रू आता है कोशिश करेंगे 265-266 जो भी रेट होगा, जो होगा इंशाल्लाह ताला अवेलेबिलिटी दे देंगे आपको। अगर रेट है आपके पास आप लेके आ जाए, भाई ये रेट मिला है, अगर हमारी फिजिबिलिटी में होगा तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। जी बिल्कुल, ये हो गया सोलेक्स। अब इसके बाद हम चलते हैं क्राउन के ऊपर। जी तो अहमद भाई, पीछे जो स्टॉक पड़ा है इसके बारे में मुझे आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, सबसे पहले मैंने क्राउन का जिक्र किया था, तो क्राउन से शुरू करते हैं। क्राउन में हमारे पास दो ही वेरिएंट अवेलेबिलिटी है अभी, एक है जेवियर 4 किलोवाट और एक है इलीगो 6 किलोवाट IP65 में। ये आप देख सकते हैं, ये इलीगो का 6 किलोवाट है IP65 में, ठीक है। एक वेरिएंट ये अवेलेबल है और एक हमारे पास जो है 4 किलोवाट का जेवियर सीरीज। और ये वाले कौन से वेरिएंट? ये सारा 4 किलोवाट ये सारी है। बेसिकली क्राउन के डब्बे के अंदर दो बॉक्स होते हैं, एक इस तरह ब्राउन होता है, इसके अंदर इस तरह का एक बॉक्स अंदर ये वाला बॉक्स होता है। जी तो कुछ इस तरह आ जाते हैं, कुछ इस तरह आ जाते हैं, ठीक है। 4 किलोवाट जेवियर सीरीज। तो इसकी प्राइस के बारे में बता दें। अच्छा, प्राइस के बारे में बता दूं तो मार्केट रेट तकरीबन आज चल रहा है 145। आपके चैनल के कोई थ्रू आता है 142 में दे दूंगा, कोशिश करूंगा इसमें भी 1,500 छोड़ दूं, ठीक है। ये हो गया 4 किलोवाट का। फिर आता है 6 किलोवाट। 6 किलोवाट ये IP65 है, जैसे हमने सोलेक्स दिखाया, ये क्राउन, ये उसका क्राउन का। क्राउन का जो रेट मार्केट चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है 3,30,000। आपके चैनल के थ्रू आता है तो 3,20,000 में। 3,20,000 में। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, क्योंकि लोग कतराते हैं दूसरे ब्रांड की तरफ। नहीं देखें, नो डाउट इसमें कोई कंपैरिजन इतना बड़ा नहीं है। इनवरेक्स एक नंबर 1 टॉप टियर 1 पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। उसके बाद अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है तो वो क्राउन है। क्राउन है जी, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्राउन है। अच्छा ब्रांड है, सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है, पावर जो इसकी प्रोडक्ट वारंटीज हैं वो भी अच्छी है। 1 ईयर वारंटी है, 3 ईयर सर्विस है। वहीं पे इनवरेक्स 2 ईयर प्रोडक्ट वारंटी, 3 ईयर सर्विस देता है। ये बेनिफिट है इनवरेक्स में। इनवरेक्स की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंस अच्छी बनी है। मैं ये नहीं कहूंगा ये चीज अच्छी ये चीज बुरी, नहीं, सब चीजें सेम है, सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क होता है, 19-20 फर्क होता है। जब पैसा में फर्क आ रहा है तो चीज में क्वालिटी में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। अगर किसी का उतना बजट नहीं है तो क्राउन की तरफ भी आ, बिल्कुल बिल्कुल क्राउन में आ सकता है। इनवरेक्स का यहीं पे प्रोडक्ट दे देंगे, वो महंगा है थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। ये 3,20,000 में मिल जाएगा। अच्छा, ट्यूबलेट बैटरी भी नजर आ रही है, इसके बारे में बता दें। ट्यूबलेट बैटरी का भी बता दें। ट्यूबलेट में हमारे पास 3 ऑप्शन है अभी, 2 फिलहाल अवेलेबल है, तीसरा ऑप्शन भी इंशाल्लाह स्टॉक में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है ट्यूबलेट नियॉन कंपनी की 1850 साइकिल के साथ 185 एम्पेयर के अंदर, और ये है 230 एम्पेयर के अंदर। अच्छा, इसकी भी 1850 साइकिल है, मतलब इसको 1850 बार चार्ज डिस्चार्ज। इसको, इसके जो प्राइस है वो 60,000 रुपए है जी। इसका जो प्राइस है 70,000 रुपए। 70,000। अब आप सोच रहे होंगे जो व्यूज देख रहे हैं वीडियो के, भाई इसके 4-5,000 अदर बैटरी से क्यों ज्यादा है? बिल्कुल। अदर आप कोई भी ब्रांड लेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मशहूर भी हैं, सबकी 6 महीने वारंटी है। इसकी 1 ईयर वारंटी, इसकी 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर वारंटी है विद रिप्लेसमेंट वारंटी। रिप्लेसमेंट मसला होता है तो रिप्लेस करके नया पीस, बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आपने तोड़ फोड़ दी तो उसकी वारंटी, वो तो उसकी नहीं होती। लाइफ कितनी? 1850 साइकिल होने की वजह से 5 साल चलेगा, 5 साल तक चलेगी लाइफ है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा सोलेक्स के बारे में बता दें। सोलेक्स पे आ जाते हैं। सोलेक्स में हमारे पास 2 ऑप्शन है, 6 किलोवाट और 8 किलोवाट हाइब्रिड में अवेलेबल है, और आईपी उसमें भी है, ऑन ग्रिड में भी है। जी जी, ये IP66 है
और हाइब्रिड का 6 किलोवाट का आज का रेट जो है वो आपके लिए पड़ेगा 3,20,000 रुपए का, 3,20,000, और 4,20,000 का पड़ेगा 8 किलोवाट IP66। ठीक है, सोलिस में ही 15 किलोवाट ऑन ग्रिड अवेलेबल है, 3,20,000 रुपए का पड़ेगा, 3,20,000 ऑन ग्रिड में। ठीक है, अच्छा नाइट्रोक्स के बारे में बता दें, हम लास्ट हमारा जो वेरिएंट अवेलेबल सबसे बेस्ट है वो है एनवेलक्स का नाइट्रोक्स 3, 6, 8, 12 भी पड़ा है मेरे पास, 12 वो एक डिलीवरी अभी देनी थी तो उसमें दे दिया। बिल्कुल 3 किलोवाट का जो रेट है आज आपको पड़ेगा, मार्केट रेट 240 चल रहा है तकरीबन रिटेल पे, आपके चैनल के थ्रू आता है 2,36,000 रुपए में दे देंगे, 236 में। ठीक है, यहीं पे आ जाता है 6 किलोवाट मार्केट आज चल रही है 3,70,000, 3,75,000, आपके चैनल के थ्रू आता है 3,65,000 में, 365 में दे देंगे। जी जी, ठीक है, यहीं पे 8 किलोवाट मार्केट जो रेट चल रही है तकरीबन 8 किलोवाट की 4,70,000, 4,80,000, 85,000 डिपेंड करता है आपके चैनल के थ्रू आता है तो जो डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी की इंशाल्लाह दे देंगे। ठीक है, दे देंगे 4,70,000 अप डाउन हाँ होता रहता है। जी जी, बाकी वो रेट्स में और 12 किलोवाट का रेट 9 लाख रुपए का रेट है, 9 लाख कोशिश करेंगे जो डिस्काउंट हुआ आप आ जाएं, पैकेज बनेगा तो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पैकेज के ऊपर मैं बता दूंगे, हमारे पास अगर आप आते हैं कोई इन्वर्टर परचेस करते हैं, पैनल परचेस करते हैं, स्टैंड परचेस करते हैं, तो जब एक पूरा पैकेज बनता है तो उस पर डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। जी जी, अच्छा इसके अलावा एक अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं सोलिस की। जी, सोलिस के एक इन्वर्टर की एक अनबॉक्सिंग करी थी। जी, तो हम भाई सोलिस के बारे में बताएं, इसके फीचर्स के बारे में बताएं और इसके एक्सेसरीज के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। अच्छा, अभी हमने इसका बॉक्स ओपन कर लिया है, बॉक्स ओपनिंग इसलिए हमने नहीं दिखाई वो बहुत ज्यादा हैवी भी है और बार बार वीडियो में दिखाते हैं, बॉक्स निकालते हुए मेहनत मजदूरी दिखाते हैं, बेहतर हमने सामने ओपन करके रख दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा सोलिस का इन्वर्टर। ठीक है, 6 किलोवाट का है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन है, आप ये भी दिखा दें एक नजर। ये सारी स्पेसिफिकेशन है और इस पे कितने पैनल सपोर्टेड है। अच्छा मुस्तफा भाई, सबसे पहले तो देखो ये है IP66। अच्छा IP66 और Envirex के प्रोडक्ट के बाद अगर मैं कहूँ टक्कर का उसके IP66 के वेरिएंट के अंदर अदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो सोलिस एक बहुत अच्छा उस कैटेगरी में आ जाता है, डस्ट और पानी के लिहाज से विंड प्रूफ वाटर प्रूफ, ये उसमें इसका एक ज्यादा टियर कैटेगरी ऊपर है, और अदर ऑप्शन जो है ये 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, रिप्लेसमेंट वारंटी है। सोलिस देखो अभी जो ना शुरू हो गया मार्केट में एंट्री लेना, बिल्कुल अभी 2-3 दिन पहले इसका एक इवेंट भी हुआ था, तो वहां पे भी इन लोगों ने बड़ा सोलिस वालों ने इवेंट अच्छा किया कि आप लोग जितने ज्यादा सोलिस इंस्टॉल करेंगे उसकी फिजिबिलिटीज, उसके जो इश्यूज फेस होते हैं उसके ऊपर इन्हें इंटरफेस चेंज किया है, कंप्लेंट्स आ रही थी लोगों की वो चेंज किया, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, मतलब अब एक ये बेहतर बहुत ज्यादा हो चुका है प्रीवियस से, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई, डीलरशिप भी आ गई, पहले ये ब्रांड चाइना से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था, कुछ ही बहुत लिमिटेड चीजें थी, तो अब वो नंबर 1 पे आ चुका है। ठीक है, तो सोलिस 6 किलोवाट इस पे आपके जो मैक्सिमम पीवी है वो आप तकरीबन 9 किलोवाट तक डाल सकते हो, 9 किलोवाट तक डाल सकते हो, और अगर अदर वर्ड्स में कहूँ तो 16 पैनल 18 पैनल ये इजीली आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा लोड कितना चल रहा है, लोड आपका 7-8 किलोवाट तक चला आराम से चल जाएगा, 20% क्योंकि आपके सोलर के लॉसेस, बिल्कुल लॉसेस होते हैं वो 20%। ठीक है, अब आप हम इसको दिखाते हैं कि देखें, सबसे पहले तो इसका टच स्क्रीन आ गया, बिल्कुल टच में है, जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ बैटरी आ जाएगी, वाईफाई आ जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन, ब्लूटूथ, सब कुछ बेहतरीन, सारा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, इंटरफेस यहाँ आ जाएगा, मोबाइल से भी कनेक्ट करके इसकी एप्लीकेशन है सोलिस की वो आप डाउनलोड करके वहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जी ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसका स्विच आ गया, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ऑन ऑफ हो जाए जी, इसकी क्वालिटी देख लो आवाज से काफी अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, इस तरफ कुछ भी नहीं है हमारा, इसके नीचे सारे कम्युनिकेशन पोर्ट्स वगैरह दिखा हम वो भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आ गए हमारे पीवी पोर्ट, डुअल MPPT इन्वर्टर है, डुअल इनपुट है, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास पैनल लगे हुए हैं 585 वाट के और अब आप ले रहे हैं 600 वाट के या 615 वाट के तो सेकंड MPPT आपके उसमें बेनिफिट है, आपको काम आएगी। ठीक है, इसके बाद ये इसका ऑन ऑफ का ऑप्शन है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, ज्यादा मुझे भी इतना इंटरफेस का नहीं पता क्योंकि इंस्टॉलेशन का काम ये ज्यादा उनको आईडिया होता है। कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन पोर्ट होती है एक इन्वर्टर को दूसरे इन्वर्टर से सिंक करने के लिए, सिंक करने के लिए RJ45 का कनेक्टर लग जाता है। जी जी, ठीक है, ये जो थर्ड कम्युनिकेशन पोर्ट है 1 और 2 उसके लिए होती है, तो मतलब 1 में लगा एक ये मास्टर बन जाएगा, बिल्कुल 2 से आपके 1 में जाएगा अदर इन्वर्टर के, वहां से ऐसे करके चेन बनती है, तो ये पैरेलल में लग जाते हैं। ठीक है, ये 3 वाला है, ये आपकी सिटीज के लिए, अगर आप सिटी अलग से कनेक्ट करना चाहेंगे सिटी का आ गया। इसके बाद हमारी जेन है, ये जेन मतलब जनरेटर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, इसको आप आउटपुट देना चाहो तो ये बैकअप है आपका, बैकअप में भी जनरेटर के साथ ही सिंक होगा, इतना मुझे कंफर्मेशन नहीं है। ग्रिड है, ग्रिड तो आपको इजीली पता है केले का इनपुट आउटपुट जो भी आप नेट मीटिंग भी इस पर कर सकते हो, बट कराची में नहीं,
मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, जहाँ पे सिंगल फेज में नेट मीटरिंग अवेलेबल है वहाँ ही आप कर सकते हो। इसके बाद ये एंटीना है। अच्छा एंटीना लोग बोलते क्यों है, एंटीना का ये बेनिफिट है कि कहीं इंटीरियर साइड पे लगाए वहाँ सिग्नल कम आ रहे हैं, तो आप इसका एंटीना के अंदर पोर्ट होगा, सामान होगा, उससे कनेक्ट करके इसके सिग्नल बढ़ा सकते हैं। उसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, वाईफाई कनेक्टिविटी हो गई, वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन पोर्ट है ये, इसमें आपका डेटा लॉगर, वाईफाई डोंगल, डेटा लॉगर अलग से आता है, वो भी लगा सकते हो। ये बैटरी क्या है हमारे प्लस, ये बैटरी है। ठीक है, या जितनी चीजें मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। अच्छा, बाकी ज्यादा हेल्पफुल इसमें आपको इंजीनियर एक्सेसरीज भी दिखा दें, एक्सेसरीज इसके आपके दिखा दें। ठीक है, ये इसकी आ गई सीटी, जो हमने सीटी का जिक्र किया, ये हमारी कम्युनिकेशन थ्री पोर्ट में लग सकती है। ठीक है जी, ये हो गया एक चीज हो गई है। हम मेन ये डब्बा देख लेते हैं, इसके नाम हमारी एक्सेसरीज गिनने, पहले गिनवा देते हैं, एक जी, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये इसके इसके साथ की है और एक ही आठ। ठीक है, ये इसका हमारा वाईफाई डोंगल आ गया, ये में भी वो एंटीना का जो पोर्ट है ना ये वहाँ लगेगा, एंटीना का पोर्ट। ठीक है, ये हमारा वाईफाई डोंगल, ये जो डेटा लॉगर मैंने आपको बताया ना, ये कम्युनिकेशन पोर्ट इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। ठीक है, ये इसकी यूजर मैनुअल आ गई जी, ये इसके MC4 कनेक्टर हैं। ठीक है, ये भी इसका MC4 कनेक्टर है जी जी, ये आपके PV इनपुट के लिए, ये इसके वॉल माउंट का जो आप दीवार पे जैसे दीवार पे टांगने के लिए है, ये इसके कोई नट्स हैं मुझे नहीं आईडिया ये कहाँ लगेगी, और ये इसकी RJ44 की कनेक्शन जो आपकी कम्युनिकेशन बोर्ड में वाईफाई के थ्रू जिस पे भी लगाना चाहो उस पे लगा सकते हो। ये इसके RJ45 के कनेक्टर आ गए जो आपकी इंटरनेट की केबल के आगे लगते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये तक इन लोगों ने खुद दिए हैं, काफी ज्यादा सारा सामान है, बेहतरीन चीजें अवेलेबल है, ये हमने सिटीज दिखा दी। ठीक है, ये सारी इसकी चीजें हैं जो इसके साथ अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बेस्ट इन्वर्टर है, इसके साथ इसका वॉल माउंट का ब्रैकेट भी आता है जी जी, वॉल माउंट भी है जी, वॉल माउंट भी है, जो हमने स्क्रूज दिखाया उसको इसके आपके दीवार पे इसको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या बताई थी आपने, सोलिस 6 kW 3,20,000 रुपए का, 3,20,000 जी, इसी में 8 kW 4,20,000 रुपए, 4,20,000। अच्छा, इसके अलावा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस हमारा है अल नजीबी टावर ग्राउंड फ्लोर G158 से लेके G168 तक। अल नजीबी बेसिकली सदर मोबाइल मार्केट कराची में, स्टार सिटी मॉल के बिल्कुल सामने, जहांगीर पार्क के बिल्कुल बैक पे। बाकी नंबर स्क्रीन पे आपके सेव सारे शो हो रहे होंगे, मैं अपना फिर भी रिमाइंड आपको करा देता हूँ, वापस बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, 03112968948। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप पे करें और 12 से 9 के दरमियान कॉल करें, जो हमारा डिस्प्ले सेंटर का टाइम है जी। अच्छा, शॉप कब से कब तक खुली रहती है, 12 से 9। सही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हम भाई, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी, इंशाल्लाह हम जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू एंजॉयड, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपने प्यार का इजहार जरूर से दें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।